सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां किसी तरह से सुरक्षित रहें। देश भर में कन्या पूजन किया जा रहा है, वहीं कुछ पैसे के लालची हैं कि कन्या को पेट में ही मार देने के काम में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां गुप्त सूचना के आधार पर नॉर्थ दिल्ली में भ्रूण लिंग जांच केंद्र पर छापा मारकर दो दलालों को किया गिरफ्तार और अल्ट्रासाउंड की मशीन को किया सील। पीएनडीटी टीम के अधिकारी डॉक्टर विकास सैनी ने बताया कि रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतक से कुछ भ्रूण लिंग जांच गिरोह हरियाणा के नजदीक राज्यों में जा रहे हैं, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हो चुके हैं। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार के सपनों को साकार करते हुए एक दलाल से संपर्क किया गया। दलाल ने 45,000 में सौदा तय किया, तब एक गर्भवती महिला को झूठा ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसमें दलाल ने गर्भवती महिला को खरखोदा में बुलाया। इसलिए पीएनडीटी सोनीपत की टीम को भी संपर्क किया गया। दलाल गर्भवती महिला को लेकर रोहिणी दिल्ली चला गया। वहां पर उसे दलाल वंदना मिली, उसने पैसे ले लिए और फिर गर्भवती महिला को दलाल के द्वारा जहांगीरपुरी दिल्ली क्षेत्र में ले जाया गया। वहां पर एक हुसैन नामक दलाल मिला और वो वंदना को वहीं छोड़कर खुद गाड़ी चलाकर डमी गर्भवती महिला को अपने साथ SBI कॉलोनी मॉल टाउन दिल्ली में ले गया। वहां जांच केंद्र पर डॉक्टर ने बिना किसी पहचान पत्र के गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया। मौके पर ही दोनों दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे कुल मिलाकर 15,000 रुपए जब्त किए गए तथा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सील किया गया। वहीं जांच सेंटर के CCTV फुटेज में डॉक्टर सान्याल भी दलाल से पैसे लेते हुए दिखाई दिए। इस टीम में दिल्ली के SDM राहुल सैनी, डॉक्टर सरिता PNDT नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सोनीपत से आदेश, डॉक्टर विकास सैनी, डॉक्टर विशाल चौधरी, विकास दांगी, नीरज जोगिंदर सैनी, दीपक आदि मौजूद रहे। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। रोहतक, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था डिस्ट्रिक्ट रोहतक की टीम और सोनीपत की टीम का, प्लस इसमें दिल्ली PNDT के डॉक्टर सरिता एंड SDM साहब डॉक्टर राहुल सैनी सर, ये सब इन्वॉल्व थे। और इसमें इस ज्वाइंट रेड में ये था कि एक टाउट थी स्वतंत्रता सिन्हा नाम की, उसने हमारे डिकोई पेशेंट को बुलाया था, 45,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। और फिर उसने एक अलग दूसरे टाउट से मिस्टर हुसैन करके एक टाउट है उनसे मिलवाया और कुछ पैसे उनको दे दिए टाउट को। और फिर वो टाउट हमारे पेशेंट को लेके और नॉर्थ दिल्ली डायग्नोस्टिक सेंटर एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर पे आ गया। नॉर्थ दिल्ली एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर पे डॉक्टर सान्याल ने उनका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करके और किया। और उसके बाद फिर जब वो बाहर आया तो उसने कहा कि मैं रात को लेट बाद में बताऊंगा सेक्स क्या है, घर में क्या सेक्स है, क्या डिटर्मिनेशन करूंगा। लेकिन उसके बाद उसने जो डिकोई पेशेंट थे उसने इशारा करके और टीम को बुला लिया। टीम अंदर आई तो 8,500 रुपये स्वतंत्रता सिन्हा से बरामद किए गए, 6,500 रुपये हुसैन से, और जो डॉक्टर सान्याल है उनसे उनके कैबिन में जो मिस्टर हुसैन है वो जाते हैं और उनको एक पैकेट देते हैं जिसमें कुछ है और ऐसा CCTV की रिकॉर्डिंग में दिखा है। तो इसमें यह है कि पूरा अस्पताल ही इसमें इन्वॉल्व है, डॉक्टर सान्याल की इसमें संलिप्तता है। कुछ फॉर्म एफ जो है उनके अंदर कुछ कॉन्ट्रावेंशंस भी मिली गई है और PCPNDT एक्ट के तहत सारी कॉन्ट्रावेंशंस को देखते हुए और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।